राजस्थान सरकार के द्वारा जो बोर्ड है आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके द्वारा 10th और 12th के छात्र हैं उनके लिए 51,000 और 31,000 के रूप में छात्रवृत्ति देने के फॉर्म है जो ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिए। और ये जो फॉर्म है 31 मार्च नहीं दोस्तों, इसकी डेट 15 मार्च है जो आपके कुछ ही दिन बाकी हैं, लगभग 20-25 दिन है और उसके बाद में फॉर्म यहाँ से बंद हो जाएंगे, दोबारा इसकी डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने लास्ट ईयर ही 2023 में 12th या फिर 10th पास की है तो आप इस छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी, तो दोस्तों आपकी जो स्कॉलर जो आपकी 12th में या 10th में परसेंटेज है उस आधार पर आपके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब किस परसेंट पर आपके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को जो है हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट को ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एकल या द्विपत्री पुरस्कार योजना 2023 है, इसको यहाँ से आप क्लिक करना और यहाँ से आपका ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन में दिया गया है एकल या द्विपत्री योग्यता पुरस्कार योजना है 2023, यानी कि 2023 की पुत्री किसी भी परिवार में एक या दो पुत्री हैं तो वो इस छात्रवृत्ति के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब योग्यता क्या रहेगी, 10th या 12th आपने अगर पास की है किसी भी सब्जेक्ट से करी है 2023 में तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कितने परसेंट पर आपका इसमें नंबर आएगा, तो दोस्तों इस पीडीएफ में आपके लिए हर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ दे रखी है कि इस परसेंट तक आपको ये छात्रवृत्ति मिल जाएगी। अब पात्रता क्या है, केवल यही पात्रता है इसकी कि जो भी छात्रा है जिन्होंने 10 या 12वीं पास कर रखे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो राज्य स्तर की कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके अलावा जिला स्तर की कट ऑफ है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो कंप्लीट जो है कट ऑफ आप देख लीजिए। अगर आपको राज्य स्तर की जो है आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो 51,000 रुपये मिलेंगे और जिला स्तर की पर 31,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पुरस्कार राशि है, इसमें आपको 10th की जो मिलेगी 11,000 रुपये, 11,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन की प्रक्रिया है ऑफलाइन रहेगी, आपको 4 पेज का इसमें एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भर के अपने स्कूल में जमा कराना है जहाँ से आपने 12th पास की है। तो कौन सा जो फॉर्म है कौन सा रहेगा तो इसमें आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप बोर्ड की वेबसाइट से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पुरस्कार की राशि का वितरण आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ लगेंगे, मूल आवेदन पत्र लगेगा, 50 रुपये का स्टाम्प पैड लगेगा और इसके अलावा आपका जो परिवार का राशन कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, आवेदन पत्र के साथ आपकी 10th या 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लग जाएगी। इस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लग जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अब रहती है ये परसेंटेज, माध्यमिक परीक्षा है 2023 की राज्य स्तर की है, 581 नंबर चाहिए। व्यवसायिक है माध्यमिक परीक्षा में 579 चाहिए, प्रवेश का में 526 चाहिए। उच्च माध्यमिक परीक्षा है गणित विज्ञान कला विज्ञान ये जो भी है इनमें इतनी इतनी परसेंटेज चाहिए। तो आप अपनी कौन सी क्लास का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कंप्लीट आपको अलग अलग जो है कट ऑफ आपको इस प्रकार से इस पीडीएफ में नीचे की तरफ मिल जाएगी। तो यहाँ से सभी की डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ में आप कट ऑफ देख सकते हैं, 133 पॉइंट दे रखे हैं यानी कि 33 जिले हैं, इनमें सभी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट की कितनी जो है कट ऑफ जा रही है, नंबर जा रहे हैं, उस आधार पर आपके स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर आते हैं यानी 10th या 12th में आपके इतने नंबर हैं तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी और आप ही इसको फॉर्म जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन फॉर्म होगा, ये फॉर्म का है जो उस जो है इसका साइज है देख रखे आप, तो परिशिष्ट नंबर 1 है आपको दिया गया है, ये इस प्रकार का फॉर्म है, इसे भर देना है। इसके अलावा परिशिष्ट नंबर 2 है, ये भी आपको भरना है, और तीसरा परिशिष्ट नंबर 3 फॉर्म है, ये भी आपको भरना है। इस प्रकार से कुल टोटल 3 पेज का फॉर्म है, 3 पेज के फॉर्म को आपको भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने, और आपने जहाँ से 12वीं पास किए वहाँ पर आपको ये फॉर्म जमा करके आ जाना है दोस्तों। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 15 मार्च से पहले पहले आपको ये काम करवा लेना है, 20 दिन बाकी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके आपका कोई भी बच्चा हो या फिर आप खुद स्वयं हो या आपके कोई भी भाई बहन हो
जो भी हैं ये फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, केवल छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति दी जा रही है, ना कि छात्रों के लिए। दोस्तों, छात्रों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ये छात्रवृत्ति शुरू की है। तो लास्ट ईयर जिन्होंने 10th 12th पास की है, वही इस योजना के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म अपना भर सकते हैं। 10th और 12th के ही छात्र होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हों, ST SC OBC जनरल EWS कैटेगरी कोई भी हो, सभी कैटेगरी की छात्राएं इस में आवेदन कर सकती हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई एकल या द्विपत्रीय योग्यता पुरस्कार योजना। इसके अलावा और भी कोई डाउट क्वेश्चन है कमेंट करके पूछेगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।